नमस्कार दोस्तों, मैं और ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूं वो जुड़ी हुई है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट वन व बीए पार्ट टू के 2019 के रेवोल्यूशन के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने बीए ऑनर्स के जियोग्राफी पार्ट वन व बीए ऑनर्स पार्ट टू का 2019 का रेवोल्यूशन का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। आप इन रिजल्ट्स को किस प्रकार से देख सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों बीए ऑनर्स और बीए में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपके बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी के जो बाकी रेवोल्यूशन के परीक्षा परिणाम है वो कब तक आएंगे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके व आपके पास सही व सटीक न्यूज पहुंचे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको रिजल्ट देखने के लिए मैंने एक डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, या फिर आप गूगल पर univindia.net टाइप कर लीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों, राइट साइड में आपके लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट एग्जाम 2019, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट रिजल्ट टाइप में दोस्तों आपको रेवोल्यूशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रेवोल्यूशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में सेलेक्ट यूजी पीजी अदर कोर्सेज में दोस्तों आपको यूजी को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि चाहे बीए ऑनर्स हो चाहे बीए हो, वो यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन में ही आती है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ऊपर वाले दो ऑप्शन बीए ऑनर्स जियोग्राफी पार्ट वन एग्जाम 2019 रिजल्ट, बीए ऑनर्स पार्ट टू एग्जाम 2019 रिजल्ट। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यह बता दूं कि बीए ऑनर्स और बीए में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, बीए ऑनर्स का अर्थ यह होता है कि उसमें आपको केवल एक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से बीए करने होती है, उसमें केवल एक सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जियोग्राफी का रिजल्ट है, तो जिस भी स्टूडेंट ने बीए ऑनर्स कर रहा है जियोग्राफी से, उसे केवल तीनों सालों में दोस्तों केवल जियोग्राफी का ही अध्ययन करना होगा। वो तीनों सालों में केवल जियोग्राफी का अध्ययन करेगा, और सेमेस्टर वाइज दोस्तों ये चलता है, साल में दो या तीन सेमेस्टर होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें बीए क्या होती है, तो दोस्तों बीए तो आप नॉर्मली जानते ही हैं कि इसमें आपको तीन है वो कम सब्जेक्ट लेने होते हैं, ऑप्शनल कंपलसरी, तो फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं। उसके बाद में चाहे आप जियोग्राफी ले लें, जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, कुछ भी ले लें, लेकिन आपके तीन सब्जेक्ट होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मान लीजिए आपको बीए ऑनर्स जियोग्राफी का पार्ट वन का परीक्षा परिणाम देखना है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे जो प्रोसेस फॉर रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना आपको अपने रोल नंबर को टाइप करना होगा। रोल नंबर टाइप करने के बाद आप यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, आप अपना परीक्षा परिणाम दोस्तों आसानी से देख पाएंगे। अब बात करें दोस्तों आपके बाकी बच्चे हुए परीक्षा परिणाम होगी, तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो परीक्षा परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है दोस्तों, वो बीकॉम पार्ट टू जताई जा रही है। और एक मैं बात और आपको बता दूं कि दोस्तों, हो सकता है जो मैं आपको डेट बता रहा हूं उसमें एक दो दिन का इधर उधर अंतर आ जाए, क्योंकि दोस्तों हम भी केवल पिछले सालों के रिजल्ट्स का अनुमान देकर आपको बताते हैं, 100% हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफिशियली दोस्तों हम जी इश्यू जब जारी करेगा वो उसकी दोस्तों मर्जी होगी। मैं आपको बता दूँ कि बीकॉम पार्ट टू का दोस्तों जो रेवोल्यूशन का रिजल्ट है उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों, वो चल रही है 15 से लेकर 17 जुलाई के बीच में आपके बीकॉम के पार्ट टू का रेवोल्यूशन का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करें कि उसके बाद किसके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, तो दोस्तों जो संभावना जताई जा रही है, वो संभावना जताई जा रही है कि बीए थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के परीक्षा परिणाम है वो सबसे पहले जारी किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये आज भी जारी कर सकती है एमजीएसयू, और हो सकता है 2 से 3 दिन ले ले। दोस्तों, मैं बता दूँ इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों, वो चल रही है आपके 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच बीच में आपके बीए और बीकॉम के परीक्षा परिणाम है वो जारी हो जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद स्टूडेंट्स को एमए आदि करना होता है, तो उनके लिए समस्या ना हो इसलिए मेरे अंदाज से सबसे पहले इसके परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। उसके बाद में बीएससी पार्ट टू है, बीएससी पार्ट वन के जो आपके परीक्षा परिणाम है दोस्तों, वो आप मान के चलिए 22 से लेकर 25 जुलाई के बीच बीच में सभी के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। बात करें दोस्तों बीबीए बीसीए और एलएलएम की, तो दोस्तों इनके भी परीक्षा परिणाम है वो अब जारी करने वाली है यूनिवर्सिटीज़ की। जो एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 25 जुलाई तक इन सभी के हैं वो परीक्षा परिणाम आपके जारी कर दिए जाएंगे। बीए पार्ट वन व बीए पार्ट टू के जो परीक्षा परिणाम है दोस्तों, वो 25 से लेकर 28 जुलाई के बीच बीच में जारी किए जा सकते हैं। उसके बाद बात करें एमए एमएससी एमकॉम की, तो एमकॉम के परीक्षा परिणाम दोस्तों अभी जारी होने स्टार्ट हो गए हैं, और इसके जो एक्सपेक्टेड डेट है मैं बता दूं 25 जुलाई तक सभी परीक्षा परिणाम है वो एमकॉम के जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद में एमएससी के दोस्तों 30 जुलाई तक, और लास्ट में मिलाकर आप मान लीजिए कि जो एमए है दोस्तों उनके आप मानकर चलिए कि 5 अगस्त तक
सभी परीक्षा परिणाम है वो रेवोल्यूशन के जारी कर दिए जाएंगे। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी को जानकारी मिल सके कि किस किस का रेवोल्यूशन का रिजल्ट आ चुका है और किस किस का कब आएगा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे और भी वीडियो जैसी और भी न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूँ ऋतिक बोथरा। धन्यवाद।